Om Namah Shri Yati Rajaya Vivekananda Suraye Sachit Sukhaswarupaya Swamine Tapaharine. Sarva Pratham, मैं पूज्यपाद स्वामी शांतात्मानंद जी का बहुत ही कृतज्ञ हूं इस कारण से कि रामकृष्ण मिशन दिल्ली यह मेरे आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी हुआ करती थी. मैं यहीं मिशन के बगल में ही कई साल गुजार चुका हूं. पचकुइया रोड पे बचपन में रहा हूं, करोल बाग में बड़े होकर के वहां भी रहा हूं. मिशन के साथ कई तरह से मेरा परिचय है. और जब मैं साधु बनने के लिए घर छोड़ के गया तो वो यहीं से गया था, दिल्ली से. और इसलिए उस दिल्ली रामकृष्ण मिशन ने मुझे यहां आपके साथ में कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए बुलाया और ये अवसर दिया. इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं महाराज का. और अब हम ईश उपनिषद की बात करेंगे. लेकिन ईश उपनिषद शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक विशेष चीज रखना चाहूंगा. लेकिन हर उपनिषद की एक परंपरा होती है कि उससे पहले एक शांति मंत्र होता है. ये कागज आपको जो दिए गए हैं उसमें देखिए, सबसे पहले वह शांति मंत्र लिखा है. उपनिषद सीखना है तो उसको अपने साथ में बनाना है तो उसके लिए आपको उसमें भाग लेना पड़ेगा. शांति मंत्र मैं उच्चारण करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे उसका जोर से उच्चारण करेंगे. याद रखिए कि ये सब मंत्र जो वेदों में आते हैं यह ऋषियों की आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा प्राप्त है. उनके उच्चारण से उसके अंदर की आध्यात्मिक अनुभूति आपके अंदर भी प्रविष्ट होगी. थोड़े ही परिमाण में हो लेकिन वो होगी. इसलिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है और यही परंपरा रही है. मैं कोई मात्रा वगैरह लेकर के उच्चारण नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी आपको सीखना मुश्किल है. इसलिए सीधा सीधा उच्चारण आप सिर्फ मेरे पीछे उसको दोहराइए. शांति मंत्र देखिए. ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. शांति मंत्र उपनिषदों में या वैदिक परंपरा में इसलिए रखे गए हैं कि हम कुछ अद्भुत सीखने जा रहे हैं, जानने के लिए जा रहे हैं. वह सीखने की प्रक्रिया हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाए. इसलिए हमारी तीन प्रकार की शांति की आवश्यकता है. पहली कैसी शांति? कि भौतिक शांति होनी चाहिए कि जहां हम बैठे हैं वो स्थिर रहे. इसलिए क्योंकि नहीं तो अब आजकल तो आप फर्स्ट क्लास ऑडिटोरियम में बैठे हैं, एयर कंडीशनड है. पहले तो बाहर पेड़ के नीचे बैठते थे तो बारिश पड़ सकती है, धूप आ सकती है, पशु पक्षी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं. इसलिए पहली शांति कही जाती है कि ऐसी शांति कि जहां हम जगह बैठे वो शांत हो जाए. इसलिए कहते हैं ओम शांति. मन में शांति का भाव ला करके जब उसका उच्चारण करते हैं और तो जैसे आपके आसपास में सब ऐसे धीरे धीरे शांत होने लगता है. दूसरी शांति होती है कि कोई दैवी आपदा ना आ जाए.
जैसे अभी हम प्रवचन कर रहे हैं और बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये विद्या जो है उसमें एक बीच में खंड आ जाएगा, या फिर किसी का मोबाइल बज गया तो वो मोबाइल का आवाज भी है लोगों के एकाग्रता को परेशान करेगा। सॉरी, हाँ 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 ठीक। जैसे इनके आने से थोड़ी सी एकाग्रता हमारी डलमल हो गई, तो इसकी भी शांति की कामना हम करते हैं कि इस प्रकार का कोई विघ्न हमारे पास न आए। और अंत में सबसे बड़ी शांति होती है कौन सी? हमारे अपने मन की, कि हमारा मन शांत रहे, उथल पुथल ना हो, बेकार की बातें चिंता ना करके जो चीज को सुनने या जानने और अपने जीवन के लिए हम लेने आए हैं उसी की तरफ को मन दे करके हम बैठे। इसलिए ऐसे तीन प्रकार की शांति बताई गई है, उसके संस्कृत के नाम हैं, वो बताए जा सकते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक एंड आध्यात्मिक। मैंने आपको एक सिंपल उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो शांति, शांति केवल एक विधि नहीं, वो एक अद्भुत परंपरा है। अब ये शांति मंत्र के साथ में, उपनिषदों के शांति मंत्रों के साथ में, जैसे अपनी ही विद्या हम तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना ही बारे में नहीं, दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। सबसे प्रसिद्ध कठोपनिषद, उसमें भी वैसी वर्णन करते हैं कि गुरु और शिष्य उनमें अच्छा सद्भाव रहे, परस्पर विरोध न हो इत्यादि। और भी कई प्रकार की शांतियां हैं, सब पृथ्वी शांत हो जाए, सबके प्रति अच्छा व्यवहार हो, पशु पक्षी ये सब अच्छे हो जाए, ऐसी भावना हम रखते हैं। इट्स लाइक अ यूनिवर्सल फीलिंग विच इज क्रिएटेड बाय दिस शांति मंत्र। लेकिन ईशो उपनिषद का शांति मंत्र अपने आप में एक प्रचंड वैशिष्ट रखता है। वो इसलिए कि ईशो उपनिषद के जो बातें इसके बाद आने वाली हैं उसका सार तत्व इस शांति मंत्र में उपस्थित है। देखिए, पूर्ण शब्द जिससे हम समझते हैं कि फुल, कंप्लीट, इन्फिनिट, ऐसा कह सकते हैं पूर्ण। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, ब्रह्म नहीं कहा, गॉड नहीं कहा, ईश्वर नहीं कहा, उन्होंने क्या कह दिया? पूर्णम। फिर उसके साथ में लगाया पूर्णम अदह, अदह मतलब वो। उसके बाद कहा पूर्णम इदम, मतलब ये। हम सब समय सोचते हैं ना, एक ये है एक वो है, दो अलग अलग सोचते हैं, इसलिए कहा वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, पूर्णम इदम। फिर कह रहे हैं उस पूर्ण से, पूर्णात मतलब उस पूर्ण से, पूर्ण मुदच्चते, ये दूसरा पूर्ण उत्पन्न होता है, आता है, उसी में से आ रहा है। फिर कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णम आदाय, मतलब जो पूर्ण है उसमें से अगर पूर्ण को घटा दिया जाए तो क्या रहता है? पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही रह जाता है और कुछ नहीं। आजकल के मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये इक्वेशन बनाई जाती है, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट। वो ऋषि उस वक्त में भी ये बात उनको समझ में आ रही थी, उसी की बात करते हैं पूर्ण। और यही पूर्ण जो है उसको ही और अच्छे शब्दों में, और जो हमको और आपको समझ में आ जाए इन शब्दों में उन्होंने यहां पर इसमें व्याख्या की है। भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के 10 उपनिषदों को प्रधान उपनिषद माना है। बाद में परंपरा यह निकली कि 2 और उपनिषद उसमें जोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने उनको भी इसमें लिया है करके, और उसका शंकर भाष्य भी दिखाया जाता है, लेकिन मूल केवल 10 माने जाते हैं। और उसमें सबसे पहले ही ईश आता है, ईश केन, ईश केन, कठ मुंडक मांडुक्य, फिर ऐतरेय तैतरीय प्रश्न, और उसके बाद में आते हैं 2 बृहदारण्यक एंड छांदोग्य। छांदोग्य और बृहदारण्यक ये सबसे बड़े महान है। उसका ऐसा है कि जैसे
सारा पर्वत खोज के निकालो, खोद के, तो शायद आपको दो चार हीरे मणिक मिल जाए, ऐसा वो दोनों उपनिषद हैं। उसमें से खोज के निकालना पड़ता है कि मूल तत्व कहाँ है करके, लेकिन वो जो हीरा है वो अद्भुत है वहां पर। लेकिन छोटे 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 उपनिषद ये बाकी जो बताए उसमें मूल तत्व एक ही है, लेकिन वो अलग अलग तरह से बताया गया है, और हर उपनिषद का अपना एक स्थान है। यह ईश उपनिषद का क्या स्थान है उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे आज, जिस हेतु महाराज ने मुझे 3 दिन का समय दिया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि 6 बजे से 7, 7 से 7:15 किया जा सकता है, ऐसा मान करके ही चलता हूं, क्योंकि ये यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है कि 40-45 मिनट के बाद आदमी का अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको एंगेज रखने की और इसको चलाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने उपनिषदों का स्थान वेदों में कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप सब जानते हैं, फिर भी वेद माने जाते हैं 4, ऋक, साम, यजु और उसके बाद में अथर्व। याद रखिए मूल वेद 3 ही बोले जाते हैं, ऋक, साम, यजु करके। अथर्व वेद में 90% ऋग्वेद और बाकी वेदों से लिया हुआ मटेरियल है, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें बहुत कुछ जादू टोना ये वो बहुत कुछ है उसमें, लेकिन अथर्व वेद में बहुत अच्छे अच्छे उपनिषद भी हैं वहां पर, तो उसको अब उसको भी उसमें लिया जाता है। यह जो ऋक, साम, यजु, अथर्व इत्यादि जो नाम लगाए गए, याद रखिए कि ये नाम भगवान व्यास देव ने दिए हैं, जिनको हम व्यास देव महाभारत में जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं करके, उन्होंने ये मॉन्यूमेंटल काम उन्होंने किया उस जमाने में महाभारत कालीन उस समय में, कि भारतवर्ष में प्रचलित ऐसी वैदिक जितनी शाखाएं थी उनकी सब विद्याओं का उन्होंने कलेक्शन किया। कलेक्शन करके उन्होंने ये विभाजन बनाए कि ये ऋग है, ये यजु है, ये साम है और ये अथर्व है, ऐसा करके क्लासिफिकेशन उनका दिया हुआ है। किस बेसिस पे दिया हुआ है, उन्होंने कोई वहां पे क्या ऐसे कोई नाम लेबल ऐसा नहीं था। आजकल तो हम किताबें छापते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, ये उस वक्त में यह विद्या गुरु से शिष्य को केवल उच्चारण से आया करती थी। गुरु उच्चारण करके विद्या देता है, शिष्य को सुन करके उसको रिपीट करना होता है, इसलिए मैं आपसे मंत्र भी रिपीट करवाऊंगा, ये आइडिया उसी में ऐसे ही आता है, और वही उसको याद करना पड़ता है, वही बाद में जब गुरु बनता है तो वो अपने शिष्यों को इसी विद्या को देता है। इस तरह से एक गुरुकुल, एक किसी ऋषि ने अनुभूति प्राप्त की और उसने अपनी अनुभूति को दूसरों को, अपने शिष्यों को बांटा, उन शिष्यों ने, कईयों ने अलग अलग अपने अपने गुरुकुल खोले, उनके अपने, तो इसको कहते हैं एक परंपरा, गुरु परंपरा, इट्स लाइक वन स्कूल ऑफ थॉट। इसका उन्होंने ये देखा कि जो एक गुरु के शिष्य के लीनियज में जो एक परंपरा थॉट का एक सिस्टम है उनको एक ग्रुप में रखा, ऐसे करके ऋक हुआ, वैसे ही करके यजु हुआ, वैसे ही साम वेद, इस तरह से बना। उसके साथ में उन्होंने और भी अद्भुत चीज की कि हर गुरु परंपरा में एक वैशिष्ट हुआ करता था। ऋग्वेद ये मंत्र और उसके साथ में उसमें एक छंद है, तो अधिकांश ऋग्वेद के मंत्र जो है वो एक छंद इसमें है, छंद में है। यजुर्वेद इज लाइक अ प्रोज, जैसे हम किताबों में एक कहानियों की लाइनें देखते हैं ना, सेंटेंसेस सेंटेंसेस वैसे। लेकिन सामवेद का वैशिष्ट्य उन्होंने देखा कि उसमें एक गाने की परंपरा है, उस गुरु के उनको मतलब म्यूजिकल टोन देने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वो उसका एक साम, उसका गाना करते थे, इसलिए उसको नाम भी दिया साम, और साम गायन करके ऐसा वाक्य आता है करके। कभी आप अगर परंपरा से काशी में जाएं, आजकल सामवेदीय शाखा और उसके उच्चारण वाले बहुत कम रह गए, मैंने बचपन में महाराष्ट्र में सुना है करके, वो गणेश उत्सव के बाद में गणेश अथर्व और वो करके आरती होने के बाद में वो एक कुछ करते थे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या, लेकिन वह वो सामवेदीय पद्धति से करते थे। क्यों, उसमें क्या है,
उसमें वो एक म्यूजिकल टोन है और इलोंगेशन है, जैसे कोई मंत्र बोला कि पूर्णमदा पूर्णमिदम् ऐसा लंबा खींच के ले जाते थे, वो एक गाने की परंपरा है। तो वो गाने की परंपरा सामवेदीय है। अभी वो फिर थोड़ी सी अभी भी अवशिष्ट है वाराणसी में, आपको कभी अगर आप काशी विश्वनाथ के मंदिर के आरती अटेंड करने के बाद, उसके बाद वो पंडित लोग जो वो रुद्र पाठ करते हैं वो करते हैं, उसको अगर सुनेंगे तो वो सामवेदीय पद्धति से उसका उच्चारण करते हैं करके, तो वो सामवेदीय पद्धति गाने की एक पद्धति ऐसी। तो व्यास देव ने ये डिस्टिंक्शन देखा कि इस तरह से ये अलग अलग है, और इसलिए उनको उसने नाम दिए और उन्होंने उसके वो एक कैटेगरी बनाई। ही वॉज लाइक ग्रेटेस्ट लाइब्रेरियन हु कलेक्टेड ऑल द वैदिक इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉट इट एट वन प्लेस, एक जगह पर ला करके उसने रख दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण वेद के चार सेक्शन भी बनाए। सेक्शन बनाने का उनका कारण वो भी है। पहला सेक्शन किसी भी वेद में, वो चाहे ऋग यजु साम या अथर्व हो, उसके चार सेक्शन माने जाते हैं। पहला सेक्शन होता है, उसको कहते हैं संहिता करके। यहां ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं ब्रह्मचारियों को जो पढ़ाता हूं तो ब्लैक बोर्ड में लिख करके देता हूं करके। पहला उसका सेक्शन माना जाता है संहिता, दूसरा सेक्शन माना जाता है ब्राह्मण, और तीसरा सेक्शन माना जाता है आरण्यक, और अंतिम सेक्शन माना जाता है उपनिषद। याद रखिए कि ये सेक्शन व्यास देव जी ने जब ये सेक्शन किए तो ये विचार के ग्रेडेशन के हिसाब से किए गए हैं। मतलब जिन जिन मंत्रों में एक विशिष्ट टाइप के विचार आते हैं उनको संहिता कहा गया, या ब्राह्मण कहा गया, या आरण्यक कहा गया, या उपनिषद कहा गया, इस तरह से वो बनता करके। अब ये सेक्शन व्यासदेव जी ने तो सेवल कलेक्शन किया और उसके ये सेक्शन बनाकर हमारे लिए वो इजी सहज हो जाए, इसलिए ये सब डिवीजन क्लासिफिकेशन ये सब किया उन्होंने। लेकिन इसके इस क्लासिफिकेशन या इस परंपरा के पीछे की वो क्या कहानी है, व्हाट इज इट विच एक्चुअली मेड दिस काइंड ऑफ अ थिंग। हम स्वामी जी के लेक्चर्स में ये सुनते हैं कि उपनिषद वेदों के शीर्ष स्थान में है, उपनिषद ज्ञान की वो परंपरा है कि वह अंतिम ज्ञान है, उसके बाद और कुछ ज्ञान नहीं होता। इस बात को समझ अब मैं आपके सामने कुछ उसके बारे में रखने की कोशिश करूंगा करके, क्योंकि ये जो सेक्शंस या ये जो स्थान है इसको समझने के लिए ये कैसी परंपरा आती है उसका मैं सबसे पहले आपको एक छोटे से उदाहरण आगे दे दूं करके। आप और हम सभी बचपन से स्कूल में गए हैं, तो सबसे पहले हमारे यहां स्कूल कौन सा होता है, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में हमको क्या सिखाया जाता है, हमको सिखाया जाता है अल्फाबेट, जोड़ घटा, मल्टीप्लीकेशन, और कुछ थोड़ी बहुत रोजमर्रा की चीजें दिखाते हैं। उसके बाद में जैसे हम मिडिल स्कूल में आते हैं तो हमारे और अधिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उसमें हमको और भी अधिक ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद में हम हायर सेकेंडरी में आते हैं तो और भी अधिक आता है, फिर ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो प्राइमरी से शुरू करके हर बच्चे को वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दी जाती है, और उसके हिसाब से उसका मन डेवलप होता है। मतलब क्या, अगर बच्चे को पहले ही 5 साल के बच्चे को अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट सिखाना शुरू कर दे तो उसको कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि पहले उसको हम प्राइमरी चीजें बताते हैं, पहला स्टेप, इसके बाद में अगला स्टेप, उसके बाद में उसके मन का इवोल्यूशन हो रहा है। आप सभी के बच्चे हैं, जब वो छोटे थे आपको ये आपने अनुभव किया होगा कि बच्चा जब स्कूल से पहले तो रोता है, किसी हालत में जाना नहीं चाहता, वो पहले दिन जब स्कूल भेजता है तो बहुत नाटक होता है, हर माँ बाप को इसका अनुभव है। फिर भी माँ बाप धक्का मार के बच्चे को भेज ही देते हैं। 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के बाद में बच्चा स्कूल में इंटरेस्ट लेने लगता है, और उसके बाद में जब वो घर वापस आता है तो ही सो एक्साइटेड, माँ माँ जानती हो मैंने आज ये सीखा, विद दैट एक्साइटमेंट ही इज टेलिंग द मदर कि मैंने आज ये सीखा, आज कुछ नया उसको मिला, ऐसे करके वो मैंने नया सीखा, मैंने ये जाना। ये बच्चों में ये एक्साइटमेंट रहती है, वो ज्ञान की एक्साइटमेंट है, उसको कुछ नया कुछ अनुभव हो रहा है।
याद रखिए, यह ज्ञान की एक्साइटमेंट ही वेद है। मानव को जब यह इंद्रिय जगत से जगत तो दिख रहा है, अब उसको मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से, मतलब ये प्रचलित कहानी नहीं, मैं बना रहा हूं एक्सटेम्पोर कहानी बना रहा हूं आपके सामने। सोच करके देखिए कि यह अद्भुत भारतवर्ष, उत्तर में बैठा है हिमालय और हिमालय के तराई में असंख्य हिमालय से निकलने वाली नदियां इस पूरी जमीन को प्रचंड उर्वरा बना के रखती है। मनुष्य जब पशु वृत्ति छोड़ करके मनुष्य रूप में एक संस्कृत मतलब सिविलाइज्ड होने की कोशिश कर रहा है तो वो एक सोसाइटी बना करके रहने लगा तो नेचुरली कहां रहेगा, पानी के पास, क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नदी के पास में ही सब सिविलाइजेशंस बनती करके, इसलिए हम कहते हैं कि गैंजेस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम सब सुनते हैं करके। उस नदी के पास में वो रहने लगा, सामने वाली अपनी जमीन में वो उगा करके खाने लगा, केवल शिकार करके खाता था, अब वो कुछ उगाता भी है और खाता है, और उसके लिए वो कोई इरिगेशन फैसिलिटी ये सब नहीं करता था, ऑटोमेटिक बारिश गिरती है, फसल उगती है, वो खाता है और सुखी है, और बहुत टाइम है। आप हम शहर में बड़े हुए हैं, जैसे मैं भी दिल्ली का हूं, आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में टाइम किसी को नहीं है, एवरीबॉडी इज वेरी बिजी, रनिंग रनिंग रनिंग, हमको शांत बैठ करके कुछ शांत सोचने का हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन आप कभी गांव में जाकर के देखिए, वो गांव वाला जो सिंपल आदमी होता है, ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, ही सिट्स क्वाइटली, वो अपना काम खत्म करके चुपचाप बैठता है और क्या करता है, ही जस्ट सिट्स एंड ही ऑब्जर्व्स द नेचर। आप सोचिए कि अपने आप को मानसिक रूप से हजारों साल पहले उस मानव के साथ लेके जाइए कि जो वो ऐसे नदी के किनारे अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ है और वो प्रकृति को देखता है। वो क्या देखता है, कल कल बहती हुई नदी, हवा बह रही है, पेड़ के पत्ते लहरा रहे हैं, पशु पक्षी आसपास मंडरा रहे हैं, पक्षियों का गुंजर हो रहा है, और ऐसे वो शांत और सुंदर वातावरण में, और सूर्य देव अपना ताप दे रहे हैं, यह सब कुछ वो बैठते बैठते सोचता है कि मैं जो कमाता हूं तो ये मुखिया मुझसे टैक्स ले लेता है, मेरे को अगर पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो मुझे कुछ देना पड़ता है बदले में, तो ये सोसाइटी जो हमने बनाई इसमें मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है एवरी टाइम। लेकिन ये जो प्रकृति मैं देख रहा हूं मेरे आसपास में जो है, ये मुझे प्रकाश सूर्य फ्री में देता है, वो थोड़ी टैक्स मांगता है, ये नदी जो पानी मुझे देती है पीने के लिए जिससे मैं जीवित हूं, वो थोड़ी टैक्स मांगती है। आजकल हम वाटर टैक्स लगाते हैं, लेकिन उस वक्त में नहीं, वैसे नहीं था। फिर वो सोचती है हवा ऑटोमेटिक बहती है, वो भी टैक्स नहीं लगाती, फ्री में मिलती है, उसके लिए ये भयंकर आश्चर्य की बात है। फिर वो सोचता है देखो ये जो भी है, अब हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम हर चीज को पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे एक कोई व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने हवा को एक व्यक्ति करके कहा, वायु, फिर अग्नि। मनुष्य सिविलाइज तब हुआ जब जानते हैं आप कि व्हेन ही मास्टर्ड द फायर, फायर ऐसी है जो हर पशु डरता है, लेकिन मनुष्य उससे क्यों नहीं डरता, क्योंकि उसने उसको कंट्रोल कर लिया और अपनी जगह पे ला करके जितना उसको चाहिए उतनी फायर वो लेकर के उससे वो खाना भी बनाता है और ताप भी सेकता है, सब कुछ करता है सर्दियों में, और रात को जब सूर्य नहीं होता तो वो आग उसी फायर को ही वो सपोर्ट लेता है, और फायर ही अंत में उसको बाद में अपने शरीर को जब वो अग्नि संस्कार करते हैं वो सब फायर, तो उनको वो पर्सोनिफाई करके सोचता है कि जैसे फायर एक कोई पर्सन है, ये सूर्य एक कोई पर्सन है, एक वायु एक कोई पर्सन है, वो उनको सोचता है और मन ही मन उनके प्रति थैंक यू बोलता है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। यह भावना उसके मन में शुरू होती है, कृतज्ञता की भावना कि कैसे ये अद्भुत है कि ये मुझे देते रहते हैं लेकिन मुझसे कुछ मांगते नहीं कभी, इसलिए वो अपना एक थैंक यू दे रहा है।
और यह जो कृतज्ञता की भावना है इसी का नाम है यज्ञ। यज्ञ मतलब वो विधि नहीं विधि तो उसका एक मूर्त रूप बाद में इवॉल्व हुआ है। ओरिजिनल यज्ञ का अर्थ है द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड द पर्सन फील्स। अब पहले तो वो केवल बैठ करके सोचता है कि मैं इनको थैंक यू देता हूं, फिर बाद में उसको थोड़ा सा लगता है मैं तो केवल बोल ही रहा हूं थैंक यू करके। जब वो सब फ्री में देते हैं तो सिर्फ थैंक यू, क्या मैं उसको कुछ नहीं दे सकता? जब मैं मुखिया को देता हूं, राजा को देता हूं, दूसरों को देता हूं, तो क्या इनको कुछ नहीं दे सकता? जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं उनको ऑफर करूंगा। अब उसको ये प्रश्न पड़ जाता है कि मैं ये कैसे ऑफरिंग करूंगा, कैसे दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे सामने नहीं आ सकते, कहां से आएंगे, कैसे करेंगे करके। इसलिए वो अपनी कल्पक बुद्धि के माध्यम से, मनुष्य का ये सबसे बड़ा एडवांटेज सब पशुओं में क्या है, उसकी बुद्धि, उसकी विचार क्षमता, ही कैन थिंक एंड ही कैन इमेजिन। ये जो कैपेसिटी प्रकृति ने मनुष्य रूपी प्राणी को दी है उसका उसने इस्तेमाल करके, व्यवहार करके उसने एक उपाय निकाला छोटा सा। और वो कैसे किया उसने, उसने कहा अग्नि वो देखता है, बाकी सब चीजें नीचे गिरती लेकिन अग्नि एक है जो ऊपर जाती है। देखिए आप अग्नि लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाती है, बाकी सब चीजें नीचे गिरती हैं, पत्थर पानी ये वो सब कुछ। अभी हम बोलते हैं ग्रेविटेशन है ये, लेकिन फायर गोज अप। तो वो सोचता है वो सूर्य ऊपर रहते हैं, है ये हवा ऊपर में है, सब ऊपर, तो ऊपर कौन जाता है, अग्नि। इसलिए उसने अग्नि को एक वाहन बनाया, लाइक मीडियम के थ्रू दिस। तो फिर मैं अग्नि को, अब अग्नि तो वो जलाता ही था, तो उसने फिर क्या कर दिया कि नहीं वो तो खाना बनाने की अग्नि, वो नहीं, फिर उसने एक अलग से एक जगह बनाई अपने घर के पास में, और वहां पर उसने वो अग्नि एक उसका, क्योंकि गड्ढा बनाएंगे नहीं तो अग्नि स्प्रेड हो गई तो सब जला देगी, इसलिए वो एक गड्ढा बना करके उसने एक वो बनाया, उसमें अग्नि जलाई। और फिर वो बैठा सुबह और फिर वो कहने लगा हे सूर्यदेव, आप मुझे ऐसा सुंदर प्रकाश और ताप देते हैं, इसलिए मैं मेरी ये पसंद वाली चीज आपको देना चाहता हूं। ये अग्नि के माध्यम से मैं आपको ये प्रदान कर रहा हूं, कृपया इसका स्वीकार करिए। एग्जैक्टली इसी प्रकार के मंत्र हैं आपको वेदों में मिलेंगे, क्योंकि यज्ञ विधि के करते वक्त में यही बोला जाता है। अब वो संस्कृत भाषा में है और आजकल हमको संस्कृत समझती नहीं तो हमको लगता है पता नहीं क्या अद्भुत बात है। बात बिल्कुल सिंपल है, यही एग्जैक्टली यही कि वो कह रहा है कि हे वायुदेव, आप मुझे इस तरह से, मतलब मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, इसलिए मैं आपको ये छोटी सी चीज जो मुझे पसंद है और मुझे अच्छी लगती है मैं आपको देना चाहता हूं। सी सेंस ऑफ अनसेल्फिशनेस इज कमिंग, एक निस्वार्थ भाव आ रहा है। वो रख सकता था लेकिन वो न करके वो दे रहा है और वो दे करके ऑफर करता है ऐसे। और यह जो उसने शुरू किया उससे उसको भयंकर सेटिस्फेक्शन आता है। आपको जब कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में देखो गुरु मंत्र देते हैं ना, तो मंत्र देके बोलते हैं कि जप करो, तो आप पहले करते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो तो सिर्फ जप करने से हो जाएगा। तो फिर गुरुदेव को आप पकड़ते हैं कि बोलते हैं क्या करूं नहीं हो रहा जप करके, तो गुरुदेव बोलते हैं ऐसा करो फिर ठाकुर का फोटो बिठा करके ठाकुर की पूजा करो छोटी सी, और उसके साथ में फिर आप वो जप भी करना करके, तक किसी तरह से भी अगर आप जप करना शुरू कर दें करके ऐसा। जब आप जैसी आप पूजा करते हैं कि 15-20 मिनट आधा घंटा पूजा में बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू डिड समथिंग, फिजिकली आपने कुछ किया। लेकिन केवल बैठ के मंत्र जप किया तो नहीं लगता कि फिजिकली मैं कुछ कर रहा हूं करके। ये आदमी की टेंडेंसी है कि वो हर चीज को जो सूक्ष्म है उसको वो स्थूल बना करके अपने सामने किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है इसकी कोशिश करता है, वह है संपूर्ण विधि। इस आदमी ने वो विधि आविष्कार की और वो विधि आविष्कार करते करते उसने उस विधि को, पहले तो बहुत सिंपल करता था, फिर उसने कहा ऐसे नहीं, पहले ऐसे करेंगे फिर उसके बाद ऐसा करेंगे। एवरी डे ही एडेड समथिंग एक्स्ट्रा, ऐसा करके वो विधि तीव्र हो गई। और अद्भुत बात यह हो गई, उसके मन की सिंसियरिटी और उसके मन की जो, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सरल भाव,
उसके कारण उस विधि के द्वारा जैसे प्रत्यक्ष उसको कुछ अलौकिक और जो अतीन्द्रिय अनुभव होने लगे और उसको कुछ बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, तब वो बहुत अचंभे में पड़ गया और उसने उन बातों को अब दोहराना, लिखना या कुछ उसको ये करके रखना शुरू किया। उसकी उस अवस्था को देख करके उसके पास लोग आए तो उसके शिष्य बने, उन्होंने वो उनको दिया कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ। वो विधि से बहुत कुछ मिलने लगा, जैसे उस विधि को और रिफाइंड किया गया उससे बहुत कुछ प्राप्ति होने लगी, डायरेक्टली घर बैठे बैठे बहुत कुछ मिलने लगा ऐसा करते करते। अब यहां तक ये उदाहरण बता करके मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, जो सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ गिविंग थैंक्स, दैट इज कॉल्ड द पोर्शन ऑफ संहिता। संहिता में अधिकांश आपको किसी न किसी देवता की स्तुति या वो, और एक बहुत सिंपल विधि उस देवता की स्तुति या उसको ऑफरिंग देने की बताई गई है, ये संहिता। और इसमें से एक इलैबरेट विधि का निर्माण करके उसके द्वारा व्यवहारिक बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की क्षमता निर्माण करना या उसकी एक प्रकार की एक विद्या निर्माण करना बहुत लोगों ने की, क्योंकि जैसे मैंने बताया, देर इज वन सिंपल थिंग एंड देर इज समथिंग मोर देन दैट। बेलूर मठ, आप जैसे रामकृष्ण मिशन दिल्ली आते हैं, आप मंदिर में बैठते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, ठाकुर की मूर्ति देख करके बहुत अच्छा लगता है करके, ऐसे ही भक्तों में से कोई एक ऐसा भक्त होगा जो आकर के बैठता है, वो देखता है इतने लोगों को यहाँ की मूर्ति देख के अच्छा लगता है, वो चुपके से दो चार फोटो उठाता है, उसके बाद गेट के बाहर खड़े होकर के वो क्या करता है, वही फोटो को आपको सेल करता है। ही मेक्स इट कमर्शियल, ही ट्राइज टू मेक इट कमर्शियल, द सेम थिंग विच वॉज लाइक दैट। तो विधि को कुछ लोगों ने एक कमर्शियल एस्पेक्ट उठा लिया। अब विधि, जैसे जैसे विधि बढ़ती चली गई तो उसके डिटेल्स या उसके जो सेक्शंस हैं वो बहुत बड़े हो गए। अब सबको संभव नहीं था कि वो सब विधियां सीख ले, और फिर ये था कि उसमें से अगर रिजल्ट चाहिए होगा तो उसमें इतनी सारी बातें हैं, सैकड़ों हजारों बातें हैं, तो इतना कौन याद करेगा। यहां पर दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा कुछ तो होती होगी, वहां पे देखा होगा वो पुजारी कितनी देर तक वो मंत्र सब बोलता रहता है। नहीं तो आप दुर्गा पूजा देखने जाइए, बेलूर मठ की देखिए, तीन दिन तक वो पुजारी कितने हजारों मंत्र है, इतनी बड़ी किताब है, वो बेचारे मंत्र पढ़ते चले जाते हैं, पुजारी फट फट फट, वो कितनी विधि है, सबको नहीं याद रहती, केवल एक वो पुजारी को वो याद करनी पड़ती है बिकॉज उसको पूजा करनी है करके। ठीक वैसी इतनी बड़ी विधि एक साधारण आदमी को नहीं मिलती, लेकिन उसको तो विधि करवा करके उसका फायदा उठाने की बड़ी इच्छा है, तो क्या करेगा, तो वो इससे जाके पूछता है, उससे जाके पूछता है। जब मार्केट में डिमांड हो जाती है तो सप्लाई देने वाले लोग आ जाते हैं, तो कुछ पंडित बन गए कि हाँ ये विधि मुझको आती है, इतनी दक्षिणा रखो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। फिर वो बन गया वो याजक और एक वो यजमान जिसके लिए वो कर रहा है करके, और इस तरह से इट बिकेम अ बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया। जानते हैं आप, भगवान रामचंद्र जी का जन्म इसी एक विधि के द्वारा हुआ था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजगुरु वशिष्ठ जी ने बैठ करके करवाया, और उसी के द्वारा उत्पन्न जो प्रसादी फल को ग्रहण करके दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई, चार बच्चे हुए। तो इस तरह से इट वॉज अ ग्रेट बिजनेस। शत्रु का नाश करना है, शत्रु विनाश यज्ञ है। खेती में गड़बड़ हो रही है, ये है। रोग निवारण करवाना है, उसका एक यज्ञ है। पैसे चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, उसका ये एक है। आजकल आपको जैसे बताने आते हैं ना, शॉर्ट मनी कमाना है, आइए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, हम आपको अभी दिलवा देते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, मेकिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ द होल थिंग बिकेम द बिग बिजनेस। लेकिन कुछ ऐसे ऋषि थे कि जिनको ये एक अद्भुत कृतज्ञता की भावना को ऐसे कमर्शियलाइज करने उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो बहुत नाराज हो गए उसको लेकर के, वो प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अगर उनके प्रोटेस्ट को सुना जाता तो लोग
विरुद्ध हो जाएंगे। और ये जितने सब कमर्शलाइज थे, इनको सबको राजा आश्रय था, राजा का आशीर्वाद था, उनका सब बिजनेस ही बंद हो जाएगा जी, रोटी पानी पेट पे लात मार देगा ये, उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उनको राजा से राजमान्यता निकाल के शायद उनको भगा देते हैं, सोसाइटी से भगा देते हैं। ये सब सिंसियर सोल्स ये जंगल में जाके रहते हैं। अब लेकिन वो पढ़ाई लिखाई या जो कुछ उनको मालूम है वो तो विधि के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, इसलिए वो विधि जो उन्होंने वहां सीखी थी वो थोड़ी शॉर्ट करके, उसके और संक्षेप करके, वो वहां जंगलों में बैठ करके वो उसके ऊपर और सिंसियरिटी वापस लाने की कोशिश करते हैं, जो मूल भावना थी उसको वापस खींच करके लाने की कोशिश करते हैं। उस मूल भावक भावना को लाते लाते वो करते हैं ना, ऐसे जो भाग है उसको कहते हैं आरण्यक। ये जो कुछ लोग वहां गए और इन्होंने अलग से अपना ये कराया, वो अरण्य में रहते थे, इसलिए उनके द्वारा जो विद्या या जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो उसको आरण्यक इसमें ऐसा कहा जाता है। और उसमें से कुछ कुछ लोगों को वो अंतिम ज्ञान मिल गया तप से, और वो जो अंतिम ज्ञान मिल गया कि जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है, उसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए मुंडको उपनिषद में वो शुरू ही होता है कि वो शौनक गुरु अंगिरस के पास में आकर के यही प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, कि हे भगवान ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ये देखिए उपनिषद का वो परम तत्व, वो परम ज्ञान, जानने की बहुत सारी चीजें हैं इस जगत में। और इसलिए मुंडको उपनिषद में जो वो दो भाग करके दिखाया है उसमें वो उत्तर जो दिया है इस प्रश्न का, वही एक्चुअली सब परंपरा है। वो कहते हैं देखो द्वे विद्ये वेदितव्य, दो विद्याएं हैं जानने वाली, पराचैव पराच, परा और अपरा। अपरा करके उन्होंने दुनिया की सारी विद्याओं को अपरा विद्या बोल दिया और फिर कहा परा यया अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा यया, जिसके द्वारा यो अक्षर, जो क्षर नहीं होता, जो पूर्ण है, क्षर होना मतलब कम हो जाना, पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो वो पूर्ण ही रहता है, तो वह जाना जा सकता है, उसको पराविद्या कहते करके बताया। यही पराविद्या इस उपनिषद में भी है। और इसलिए उपनिषदों का स्थान कहां है कि यह ऋषि ज्ञान करने गया। देखिए नाम भी बहुत सुंदर दिया है, इसलिए हम कहते वेद। आप जानते हैं वेद से मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं, अहम वेद, मैं जानता हूं। उसको जो व्यक्ति कहता है मैं जानता हूं, आज सुबह महाराज मुझे पूछ रहे थे निखिलात्मानंद जी, पूज्य निखिलात्मानंद जी, अरे यार वो मोबाइल में वो कौन सी जगह से कौन सी जगह वो ट्रेन मुझे खोजनी है तो कैसे करना है जरा दिखा सकते हो। तो मैंने उनको कहा हाँ महाराज मैं जानता हूं, मैं आपको दोपहर को 3:30 बजे दिखा दूंगा, मैं जानता हूं। वो ऋषि को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, वो ऋषि हर अनुभव के बाद कहता है अहम वेद, तो उसको पूछते होंगे किम वेद, क्या आप जानते हो, वो उसकी व्याख्या करता है, बोले मैं ये जानता हूं। एक तो है भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं कि जो पंच इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है। याद रखिए ये जो वेद हम पढ़ते हैं उसमें ये पंच इंद्रिय ज्ञान भी है और उसके साथ में पारलौकिक ज्ञान है, या उसके बाद में हम कहते हैं कि इंद्रियातीत भी ज्ञान है। वो अपने जीवन का एग्जिस्टेंस तो उनको समझ पाए, उसके बाद में उनको यह भी पता लगा कि मनुष्य, सबसे पहले उनको ये मालूम पड़ गया कि क्या कि देह मरने के बाद भी मनुष्य नहीं मरता, ये तो वो जानते हैं। याद रखिए वो जान गए थे। वो किसी लोक में जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोलता है कि लोक में जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचता है जैसे मैं यहां रहता हूं तो अगर उसने अभी देह छोड़ दिया तो वो कहीं जाता होगा ना, ही मस्ट बी गोइंग समवेयर, इसलिए वो करता है कि अच्छा वो अभी ये चक्कर यहां तो बहुत कष्ट है वहां अच्छा होगा, इसलिए उसने एक स्वर्ग लोक की कल्पना की, पितृलोक, लोगों ने उसमें और पता नहीं 14 लोक ऐड कर दिए और भी 14, आप भी और 20-25 ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो हमारे कल्पना की बात है, हम उसके हमको जैसा लगेगा वैसा। तो इस तरह से वो उनको ये मालूम लगने लगा।
और ऐसे जैसे वो जानते चले गए तो इंद्रिय गत ज्ञान, फिर इंद्रियातीत ज्ञान, उसके बाद में परम ज्ञान। वो परम ज्ञान के बाद देखते कि ये ज्ञान की पराकाष्ठा, साकाष्ठा सा परागति, वही अल्टीमेट है, उसके बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जान लिया। वह है उपनिषद का स्थान। उपनिषद वो है कि जो ज्ञान के उस अंतिम जगह पर ले जाता है। अब याद रखिए, जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, बच्चा स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाता है करके, तो वो ज्ञान की परंपरा में उसको लेके जाता है। वो संहिता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, ऐसे करके वो ज्ञान की उस उच्च परंपरा में जाता है। लेकिन हम उसी स्कूल में इसमें देखते हैं ना, कुछ बच्चे भयंकर स्मार्ट होते हैं और आजकल ऐसे बहुत जीनियस बच्चे निकलते हैं। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, PhD भी कर ली, वेरी स्मार्ट, बहुत जल्दी उनको ज्ञान हो गया। दे आर फास्ट मूविंग थिंग। इसलिए आप मजेदार बात देखिए, किसी किसी सेक्शन में संहिता में उपनिषद आता है, कुछ उपनिषद ब्राह्मण में भी है, कुछ उपनिषद आरण्य के भाग में भी आते हैं, और उपनिषद तो है ही अलग से करके। साधारण वेदों में नॉर्मली ये परंपरा से आता है, मतलब ज्ञान जैसे बढ़ता चला जा रहा है वो करके अंत में उपनिषद में आता है। लेकिन वो किसी एक शाखा में, वो एक कोई एक ऐसा एक्सेप्शनल स्टूडेंट निकला होगा कि जिसको वो पूरी परंपरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो संहिता करते करते ही उसका मन ऊपर चला गया और ढप से मिल गया उसको। भगवान श्री रामकृष्ण, आप वचनामृत पढ़ते हैं ना, उसमें देखिए वो कहते हैं वहां पर कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते, नॉर्मली क्या होता है, पहले फूल बाद में फल, है ना, तो कुछ, लेकिन बोलते कुछ कैसे होता है, पहले फल उसके बाद में फूल, उसका वर्णन करते। देखिए रामकृष्ण वचनामृत में वेदांत भरा हुआ है, वो खोज के निकालना पड़ेगा आपको। लोग उसको केवल भक्ति शास्त्र मानते हैं, भक्ति तो है क्योंकि वो कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, प्रेम के द्वारा पकड़ा जा सकता है, उपनिषद भी बताता है। अब लोग उसको ट्विस्ट करते बात अलग है, लेकिन उपनिषद तो यही कहता है प्रेम के द्वारा पकड़ा जाता है, कि जो उसको वर्णन करेगा उसको वो मिलेगा। लेकिन मिलेगा मतलब ही बिकम्स एलिजिबल। भगवान जब अपना स्वरूप दिखाएंगे तभी दिखता है, तो उनकी कृपा से ही होता है। कठोपनिषद में ही आता है वो मंत्र कि इससे नहीं होता उससे नहीं होता करके फिर बताया कि जो केवल आत्मा को ही पकड़ता है और कुछ नहीं तो फिर उसको मिलता है, मतलब वो योग्य हो जाता है। फिर उसको क्या होता है, बोले तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसको यह आत्मा अपना तनु मतलब अपना स्वरूप खोल करके दिखाते, विवृणुते खोलते हैं, खोल करके दिखाते ऐसा। तो कुछ ऐसे हैं स्मार्ट ब्यूटीफुल जिनको पहले ही मिल गया, कुछ को और स्टेप के बाद मिला, किसी को इसमें मिला, किसी को लास्ट में मिला। जैसे आप अभी समाज में देखते हैं ना करके, कि नॉर्मली हमारे समाज की परंपरा जो वैदिक से बना करके दिए कैसे, कि पहले ब्रह्मचर्य मतलब स्कूल में जाओ, उसके बाद गारहस्थ मतलब विवाह करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करके वानप्रस्थ ग्रहण करो, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर तुम अंतिम संन्यास के लिए योग्य हो गए। लेकिन ये मेरे और महाराज जैसे और बाकी जितने हैं, ये कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो ब्रह्मचर्य टाइम से ये एक छलांग मार करके सीधे संन्यास में पहुंच जाते हैं, तो उनको बीच के दो लाइन और चाहिए नहीं चाहिए, दे डोंट वॉन्ट इट, दे हैव गॉट द आइडिया करेक्टली। वैसे ही है यह ईशो उपनिषद, यजुर्वेद के दो भाग मान मतलब दो स्कूल्स माने जाते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। फिर कभी समय मिला तो मैं आपको वो शुक्ल और कृष्ण कैसे हुआ वो भी एक अद्भुत कहानी है। एनीवे, तो शुक्ल यजुर्वेद के संहिता में ईशो उपनिषद मिलता है आपको। तो वो एक ऋषि होगा जो वहां पर वो संहिता के ही स्टेज में रहते रहते उसको वो अनुभूति हो जाती, और उस अनुभूति के कारण वो जैसे आश्चर्यचकित होकर के वो बोलता है। श्वेताश्वत्र उपनिषद में मंत्र आता है, स्वामी जी ने उसको कोट किया है,
अमृतस्य पुत्राः श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेद अहम् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय करके वो क्या कह रहे हैं सुनो 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 हे विश्व मैंने जाना है और वो जो देवता बैठे हैं उनको भी वो आह्वान करके बोल रहा है मैं बता रहा हूं तुमको मैंने जाना है वेद हम मैंने जाना है वेदा हम क्या एतम और महान पुरुष है फिर उसके पुरुष की विशेषण दिए वहां ये ईशा उपनिषद का ऋषि उसी संहिता के इसमें ही करते करते सडनली उसको वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया उसको वो अनुभव हो गया और इसी अनुभव का वो यहां पर वर्णन कर रहा है। देखिए पहला मंत्र खोलिए कागज फिर से सामने लाइए पहला मंत्र मेरे पीछे बोलिए ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। उसको अनुभूति हो गई क्या अनुभूति हो गई उसको वो सब तरफ को वो देखने लगा। भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन को देखिए स्वामी जी के जीवन को देखिए और आपको इसका अर्थ समझ में आने लगेगा। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। श्री रामकृष्ण के जीवन में आता है आपने देखा होगा ठाकुर खुद ही भी बताते हैं उनको जब वो अनुभव हुआ था दक्षिणेश्वर में उससे पहले दो बार तीन बार हो चुका है। सबसे पहला अनुभव कब हुआ था ठाकुर को जानते हैं आप जब उन्होंने वो काले काले मेघ उसके ऊपर वो सफेद सफेद बगुले उड़ते हुए देखे तो वो अपना होश खो करके उनका मन उस अनंत में विलीन हो गया तब वो अनुभव हुआ। जब वो होश में आए तो उनकी मां को बड़ी चिंता थी लेकिन वो मां को क्या कहते हैं मां मैं बहुत आनंद में था अनुभव उन्होंने किया जो वो उसमें। उसके बाद वो जब विशालाक्षी के लिए जाते हैं उन माताओं के साथ में तो विशालाक्षी का चिंतन करते हुए देखिए एक तो है प्रकृति का चिंतन करते हुए वही अनुभव उनको होता है। उसके बाद विशालाक्षी मतलब एक विशिष्ट देवता के स्वरूप का चिंतन करते हुए भी उनको वही अनुभव होता है और उसके बाद में वो शिवजी के रूप में स्टेज पर आकर के खड़े हो जाते हैं शिव का ड्रेस पहन करके और डायलॉग बोलने की जगह पर वो समाधिस्थ हो जाते क्योंकि वही अनुभव उनको हो रहा है। तीन अलग अलग अवस्थाओं में तीन अलग अलग कारणों के बाद भी लेकिन अनुभूति क्या हो रही एक ही हो रही। उसके बाद नहीं हुआ बहुत कोशिश की उन्होंने लेकिन वो जिसको बोलते ना कि भगवान की विशेष कृपा थी कि वो पहले उनको दिखा दिया क्योंकि उनका पहले फल बाद में फूल है मतलब बाद में साधना वादना है सब तो उनसे साधना करवानी थी ना क्योंकि आप और हम नहीं तो हम कहां साधना करेंगे। उनको देखते हैं और वो कहते हैं इसलिए हम उनको मानते हैं इसलिए उनसे सब साधना भी करवानी थी। उनको जरूरत नहीं थी साधना वादना करने की क्योंकि उनको अनुभूति तो हो गई थी फिर भी उनसे वो साध जैसे वो ज्ञान उनसे लुप्त करवा लेते हैं और फिर से उनसे करवाते हैं साधना। जब वो साधना करके वहां माँ काली के मंदिर में खड़े होते हुए वो जब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि क्यों नहीं हो रहा और वो वहां से वो कटार निकाल करके अपने गले पर रखते कि मैं अभी अपने आप को समर्पण कर देता हूं कि अगर वो अनुभव मुझे फिर ना हो तो फिर शरीर को रख के क्या फायदा है करके तो मैं शरीर छोड़ देता हूं दे देता तब उनको वो अनुभव होता है। वही अनुभव जो होता है उसी कारण उसको वो अब मां के मंदिर में खड़े हैं मां इसलिए उसको वो मां मां करके कहते हैं। रामकृष्ण लीला प्रसंग में देखिए स्वामी शारदानंद जी ने उसी वर्णन करते हुए ये कहा है कि उनका यह अनुभव बताते हुए कहा कि वह अनुभव उनको मां के मंदिर के कारण या वहां खड़े होकर के मां का चिंतन करते हुआ था इसलिए उसी अनुभव को वह मां ऐसा संबोधन करते हैं। संबोधन हम किसी नाम से भी कर सकते हैं ब्रह्म कह सकते हैं आत्मा कह सकते हैं मां कह सकते हैं शिव कह सकते हैं राम कह सकते हैं विष्णु कह सकते हैं नेम इज नथिंग एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग। और उसके बाद कैसा होता है देखिए उसका परिणति कैसी हो गई
वो मंदिर में पूजा तो ड्यूटी करने जा रहे हैं, उससे दे बिल्ली आ जाती। अब क्या है, उनको जीवंत माँ तो दिखती, उसके साथ में दिखता है कि जीवंत बिल्ली भी दिख रही, कि वो बिल्ली बिल्ली नहीं, वो साक्षात वही माँ है। मतलब वो माँ के मूर्ति में जो वो चैतन्यमय ब्रह्म देखते हैं, वही मूर्ति, वही चैतन्यमय ब्रह्म उनको प्रत्यक्ष इन्हीं सिंपल आंखों से दिखाई दे रहा है उस बिल्ली में। इसलिए वो क्या करते हैं कि उस मूर्ति को नहीं देख करके कहते हैं सामने इसको, वो वही माँ तो ले करके वो बिल्ली को खिलाते हैं। लोग इसको कहते पागल हो गया ब्राह्मण, बिल्ली को माँ का भोग चढ़ा रहा है, लेकिन उनकी क्या अनुभूति हो रही, सब जगह ब्रह्म है एक ही। अब सब जगह ब्रह्म 24 आवर्स अगर देखेंगे ना तो बॉडी नहीं टिकती। ठाकुर खुद ही बताते हैं साधारण जीव बहुत कष्ट करके इस अनुभव को प्राप्त करता है और उसके बाद में 21 दिन के बाद उसका शरीर गिर जाता है, टिक नहीं सकता। केवल अवतारी पुरुष या ईश्वर कोटि इस अनुभव को करके जीवित रहते हैं, वो भी ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से। क्यों? लोक शिक्षा के लिए करके। ये सब ठाकुर के ही शब्द है, लेकिन उनको भी सबको नहीं होता, सब समय नहीं होता, थोड़ा होता है थोड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ होता है। श्री रामकृष्ण को जब वो चाहते थे तब होता था, जब उनकी इच्छा होती थी तो वो समाधि में जाके उसका अनुभव करते थे। वो हुआ सर्वातीत अनुभव, फिर सामने भी उनको दिखता था, लेकिन अगर सामने सब समय दिखने लगे तो कुछ नहीं कर सकता आदमी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हुआ था, वो ठाकुर के पास में आते थे ना, अब मैं वो दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। ठाकुर के पास में वो आते थे और ठाकुर ये करेंगे वो करें, तो आर्ग्यूमेंट वो हो रही थी, वो नरेंद्र से ठाकुर वो शास्त्र पढ़वाते थे, ये वो किताब निकाल ये पढ़ के सुना मुझे ऐसा करके, तो वो अष्टावक्र संहिता पढ़ के सुना करेंगे। ठाकुर को संस्कृत आती थी, सब कुछ आता था पढ़ना भी, लेकिन उनका उद्देश्य सब अलग था। वो हर उनके पास में आने वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट ढंग से वो आगे ले जाएंगे, इसलिए उसको वो चीज करवाते थे। अब उनको मालूम था नरेंद्र बहुत ही करेगा, तो नरेंद्र सब शास्त्र वास्त्र सब जानना चाहिए करके ना, उनको क्या अष्टावक्र पढ़नी नहीं आती थी, वो पढ़ सकते थे, फिर भी उससे पढ़वाते थे, तू पढ़ मैं सुनूंगा करके, तो वो सुनते थे। अब वहां पर वो आता है कि ये सब ब्रह्म है ये सब, वो नरेंद्र वो किताब बोलते हट बेकार की बात है करके रख देता है, क्या बकवास लिखी है करके, और उठ के चला जाता है। बाहर हाजरा महाशय माला लेके बैठे हैं तो उसके पास जाके बैठता है, फिर वो बाहर ठाकुर बाहर आते हैं, क्या हुआ, हाजरा पूछता है क्या हुआ ये सब क्या हुआ, अरे क्या बकवास किताब दे दी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए, उसमें बोले सब ब्रह्म, ये बाटी घोटी जमीन ये सब नदी ये सब क्या ब्रह्म, ऐसा कैसे हो सकता है, ये अलग है वो अलग है ये अलग है वो कैसे सब ब्रह्म हो सकता है करके, और दोनों जोर से हंसते हैं हाँ ऐसे पागलपंती है कर। उतने में पीछे से श्री रामकृष्ण आते हैं, वो सुनते हैं और देखते हैं। अब उनकी तो पावर है, वो क्या करते हैं, वो जाके केवल नरेंद्र को ऐसे हाथ लगाते, जैसे हाथ लगाते उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता और उनको वो पूरा ब्रह्म दिखाई देने लगता है, एक दिन नहीं 3 दिन कंटिन्यूअसली। इसका वर्णन आपको स्वामी जी के जीवन में मिलेगा, स्वामी जी अपने शब्दों से इसका वर्णन कर रहे हैं। कृपया करके आप जब घर जाएंगे आज खोल करके उसको पढ़िए फिर से एक बार, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये ईशा उपनिषद का पहला जो वाक्य है यहां मंत्र, पहले मंत्र की पहली लाइन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। वहां पर वो कहते हैं मैं सब ब्रह्म देखता हूं, रास्ता ब्रह्म, ये पोल ब्रह्म, दीवार ब्रह्म, वो घोड़ा गाड़ी घोड़ा दौड़ के आ रहा है वो भी ब्रह्म, वो कहते मैं भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म, तो मैं रास्ता क्यों छोड़ू, वो क्या करेगा मुझे, एवरीथिंग इज ब्रह्मन। फिर कैसे तैसे धक्का खाता है, वो सोचता है ये पिलर ये लैंप पोस्ट ये भी ब्रह्म है, वो उसके ऊपर सर मार के देखता है कि क्या ये सचमुच ऐसा है, आघात करता है। वो घर में जाता है उसको माँ खाना खाने देती है तो उसको थाली ब्रह्म चावल ब्रह्म सब, वो खाना ही नहीं खा सकता, वो ऐसे हो गया बैठ गया चुपचाप। माँ उसको बोलती क्या कर रहा है तू खाना खा, 3 दिन तक रहा फिर उतर गया धीरे धीरे, वो अनुभूति हो गई, वो नरेंद्र जैसा इतना अद्भुत प्रतिभाशाली, 3 दिन में उसकी ये अवस्था हो गई, वो खाना नहीं खा सका कुछ नहीं कर सका। आप हम सब सोचते हैं हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, डोंट आस्क फॉर इट, इट विल बिकम डिफिकल्ट, आपका घर द्वार परिवार रिलेटिव सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ दिखाई दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा,
कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट कि ठाकुर आपको नहीं देते और आपको ऐसे रखते हैं, एटलीस्ट यू कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ एंड वर्ल्ड। और जब आपको ये सबसे छुट्टी मिल जाएगी या छुट्टी आप ले लेंगे, मिल तो जाती है लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। खैर जब छोड़ देंगे और फाइनली सोचेंगे बस हो गया, आप नहीं और यही चाहिए, तो फिर वो देंगे, क्योंकि उसके बाद में फिर देह नहीं टिकेगा। और ये सोचेंगे कि वो भी होगा फिर देह भी होगा, नहीं वो दोनों नहीं चलता। और फिर जिनका देह भी रहेगा वो भी रहेगा, ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। उनको ठाकुर कहते हैं ईश्वर कोटि या अवतारी, आप हम तो साधारण हैं, तो हमको भी जब होगा उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय, छुट्टी, घर जाओ, मतलब वो अपने घर। इसलिए स्वामी जी जो भजन गाते थे ना ब्राह्मो संगीत, मौन चौलो निजो निकेतने, क्या ड्रेस पहन करके तू इस संसार में घूम रहा है, चल अपने घर चल, वहां फिर जाना पड़ेगा करके। यह अनुभव उस ऋषि को हो गया और वो उसका वर्णन कर रहा है एक शब्द में, क्या कहता है, ईशावास्यम इदम। देखिए इदम सर्वम, जो कुछ भी है सब कुछ वो क्या है, ईशावास्य, वस से वस्त्र शब्द आता है, कपड़ा, जैसे कपड़े से आप शरीर ढकते हैं, तो वास्य मतलब ढकना, ईश से उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है यहां पर, ईश, ईश इट धातु से आता है मतलब कंट्रोल करना, जो कंट्रोल, तो उसको वो कहते हैं कि वो कंट्रोलर है। तो जो कंट्रोलर है उसने इस समक, इसको इदम और फिर सर्वम, इस जगत के सब को ऐसे ढक के रखा है, ईश से ही ढक के रखा हुआ, ईश ने ही, ईशावास्यम इदम सर्वम। और उसमें सर्वम में कोई डाउट ना रह जाए कि इदम सर्वम मतलब फिर इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया ऐसा कुछ है क्या, नहीं, यत किंच जगत्याम, इस जगत में जो कुछ भी है कोई एक्सेप्शन नहीं, नो एक्सेप्शन। कभी कभी हम सोचते ना ऐसा, अच्छा ये नहीं तो वो नहीं होगा, वो तो होगा वो नहीं होगा, नहीं नहीं नथिंग, इसलिए उसको एडिशन दिया, यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में, जगत्याम मतलब इस जगत में, जो जगत में जगत जो कुछ है सब कुछ उसी ईश ने व्याप्त करके रखा है। उस ऋषि को वो अनुभूति हो रही, वो अनुभव कर रहा है प्रत्यक्ष, अपने उन्हीं आंखों से देख रहा है देख करके वो वर्णन करके बता रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि वो ऋषि आपको हम और हमको बताने के लिए साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके ये गहन तत्व बताने की कोशिश कर रहा है। वो अनुभव का प्राप्त करके वो भी गायब हो जा सकता था, वो गायब नहीं होता, वो विशिष्ट टाइप का व्यक्ति है, इसलिए हम उसको ऋषि कहते हैं। वह उस ऐसे आप्त पुरुष, इसलिए उसको आप्त पुरुष कहते हैं, या और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। या ऐसे कौन होते हैं इसकी भी एक कहानी भगवान श्री रामकृष्ण बताते हैं, वचनामृत में आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं फिर भी दोहरा रहा हूं यहां पर। बता रहे कि तीन व्यक्ति, तीन दोस्त हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, या कहीं गए थे वापिस, अपने गांव वापिस जा रहे हैं, बीच में से जाते जाते एक बहुत बड़ा जंगल या वन पड़ता है, उस वन में से गुजरते गुजरते एक जगह जाकर के देखते हैं कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसके अंदर से बहुत आनंद भरी आवाजें आ रही हैं, जैसे सब मजा हो रहा है, लेकिन दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा, कोई दरवाजा नहीं दिखता, कोई खिड़की नहीं है कि जिसके द्वारा समझ में आए कि अंदर क्या चल रहा है करके। तीनों बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर कैसे तैसे कहीं से गिरी हुई डाल ला करके उस पर लगाते हैं और उसमें डाल को दो जन पकड़ के रखते हैं, एक उसके ऊपर चढ़ता है, जैसे ही दीवार के ऊपर पहुंचता है और अंदर देखता है वो कहता है वाह वाह वाह, और वो अंदर छलांग लगा देता है। नीचे जो दो डाल पकड़ के खड़े हो बोलते, अरे कैसा आदमी है यार, वो वाह वाह तो बोल दिया लेकिन वो है क्या ये तो बताना चाहिए था, बताया ही नहीं, खुद ही चला गया। तो दो में से फिर एक बोलता है अच्छा मैं जाता हूं, तू पकड़ के रख करके मैं बताऊंगा करके, वो भी चढ़ता है ऊपर से करके, ऊपर जाकर के जैसी दीवार पे पहुंचता है इतना आनंद होता है उसको वो भूल जाता है कि मुझे बताना है करके, वो भी वाह वाह करके अंदर गया। अब तीसरा सोचता है यार कैसा है,
वो फिर क्या करता है, कहीं से एक पत्थर लाता है, उसमें वो उसको अटकाता है ताकि जब ये चढ़ेगा तो वो फिसल ना जाए, ऐसा करके वो ऊपर चढ़ता है, जाके दीवार पे बैठता है और दिखता है वाह वो भी छलांग लगाने वाला है, लेकिन फिर सोचता है इतनी अद्भुत चीज, मैं भी अंदर चला गया तो बाद में इसी रास्ते से जाने वाले तो हजारों लोग हैं, उनको कौन बताएगा, सबको बताना चाहिए। वो निस्वार्थ था, वो नहीं गया, वो दीवार पे बैठा रहा, और वो जो दीवार पे बैठा रहा वो अंदर का भी आनंद ले रहा है और बाहर का जगत भी देखता है। अवतारी पुरुष और ईश्वर कोटि ऐसे दीवार पे बैठे वाले लोग होते हैं। शारदानंद जी उनके लीला प्रसंग में उसको एक टेक्निकल शब्द देते हैं, भाव मुख, ठाकुर को सुनाया था, भाव मुखे थाको, भाव और मुख में रहो, भाव मुख में रहो मतलब उस दीवार पे बैठो कि जब चाहो तब इधर का अनुभव भी ले सकते हो और जब चाहो तो इधर को भी जान सकते हो, और जब उसको जान लिया तो फिर इस जगत की साधारण साधारण चीजों में फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो केवल इसके लिए बैठा रहता है कि फिर उसको फिर वो भूख प्यास काम क्रोध लोभ सब जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ क्या है कि कोई अगर उस बारे में पूछे तो बताएगा वो, इसलिए उसके बाद जो आता है वो बोलता है अरे देखो यहां आनंद है। 90% लोग रुकते ही नहीं है, क्या पागल है दीवार पे बैठा है, चले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अरे देखो ब्रह्म, अरे ठाकुर क्या अद्भुत चीज है। अब 1 करोड़ से ज्यादा जनता है दिल्ली में, आप लोग कितने लोग बैठे यहां पे, 50 भी नहीं होंगे शायद, ये सुनने आए अद्भुत तत्व करने के लिए। तो ऐसे होता है, तो जो सुन लेगा, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से बैठा है दीवार पर। ऐसे ठाकुर थे, ऐसे स्वामी जी, ठाकुर के डिसाइपल सन्यासी ये सब उसी तरह से हैं कि जो आपके और हमारे के लिए, इतना ही नहीं वही संत महापुरुष तुलसीदास मीराबाई ये सब उसी दीवार पर बैठे हुए लोग हैं जो इस पूरी जनता को निर्देश दे रहे हैं कि अरे आओ कहां जा रहे हो, यह अद्भुत चीज देखो। हजारों सालों से हजारों हजारों संत महापुरुष जितने भी हो गए वो सब इसी कारण से रुक गए, जा भी सकते थे, और ऐसे कितने ही हजारों जो चले गए जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो रुक गए जिनको एक अनुकंपा हुई उन्हें हम ऋषि कहते हैं, और उन्होंने ये शब्द लिखे इसलिए आज हमको मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके सामने इतनी देर से बड़बक कर रहा हूं। तो ये बताया, वो उक्कर बता रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। समय समाप्त तो हो चुका है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी लाइन है उसके बारे में बोलने के लिए और बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर उसको लेकर के और भी बातें करनी है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहां से मतलब दूसरी लाइन से कल शाम को 6 बजे ठीक यहीं पर आपको आमंत्रित करता हूं, आइए, मानसिक रूप से शांत होकर के आइए, परेशानियां घर या गेट के बाहर छोड़ दीजिए। अद्भुत ईशो उपनिषद है, उपनिषदों में ईशो उपनिषद का स्थान सबसे पहले शीर्ष स्थान पे लिया जाता है, क्योंकि इसमें तत्व बहुत ही सहज सरल तरल से बताया गया है। उससे भी बड़ी बात क्या है, संहिता भाग में होने के कारण, ये विचार परंपरा के आरंभिक होने के कारण, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम उस पुराने जमाने के लोग कैसे सोचते थे उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। वो भी मैं आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश करूंगा। तो आज फिर से हम शांति मंत्र बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।